बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हम हर साल आते थे और दो साल से हम बहुत मिस कर रहे थे, तो हमें बड़ा इंतजार था कि कब ट्रेड फेयर लगे और हम आए। भाई साहब, ये अफगानिस्तान का बना हुआ है, मेरी कंपनी काबुल अफगानिस्तान की है। ऑनिक्स स्टोन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी होगा, या पाकिस्तान का होगा या अफगानिस्तान का होगा। शेर की बात करूं या ये जो पॉट्स हैं, ये सब सिंगल स्टोन से बने हुए हैं, और ये पिस्ता किस रेट में मिलेगा? ये पिस्ता भाई 2000 का रुपए का है। नमस्कार, आज हम आ चुके हैं प्रगति मैदान में और आप सभी का द न्यूज बास्केट में स्वागत है। तो आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं, क्राउड काफ़ी हद तक भर चुका है, वो इसलिए क्योंकि अब आम जनता के लिए ट्रेड फेयर को खोल दिया गया है। आज हम कुछ ऐसे हॉल्स कवर करेंगे जिनको कि हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में कवर नहीं किया। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ हॉल नंबर 4 के सामने, जहाँ पर मुझे देखने को मिला कि कुछ फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं, बाहर की कंट्रीज जो कि यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो मैं अगर बताना चाहूँ तो अफगानिस्तान हो गई, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की और यूए जैसी और भी कंट्रीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा होगा। और ये लोग क्या क्या लेकर आए हैं, अगर मैं बात करूँ तो टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट और मल्टी प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप सब हमारे साथ चलें और देखें कि वहाँ पर ऐसा क्या नया है जो कि बाहर की कंट्रीज़ इंडिया में लेकर आई। गेट नंबर 4 से जब मैं एंटर हुआ तो मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आई, और अगर मैं खुशबू की बात करूं तो मैं गलत नहीं था, ये परफ्यूम्स हैं। और ये परफ्यूम्स कहां से हैं हम ये जानेंगे और भैया से पता करेंगे कि रेट क्या है इनके। हाँ जी, यहाँ पर परफ्यूम बहरीन से है, हमारा स्टार्टिंग प्राइस 1700 से शुरू होता है परफ्यूम से, अगर अतर चाहे तो 1400 से शुरू होता है। 1400 से इतर शुरू हो जाएगा और जो परफ्यूम है वो 1700 से। और यहाँ पर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और आप वीडियो देख के भी नहीं फील कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आप हॉल नंबर 4 से एंटर करते हैं तो एंटर करते ही आपको ये स्टॉल देखने को मिल जाएगा और आप अच्छे अच्छे परफ्यूम्स यहाँ से बाय कर सकते हैं। हॉल नंबर 4 में जब हम एंटर हुए तो एंटर होने के बाद कुछ आंखों में रोशनी आई, और ये रोशनी इन लैंप्स की है जो कि मैं आपको बता दूं ये टर्की के प्रोडक्ट्स हैं। और आप जैसा देख रहे हैं कितनी फाइन क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, इंडिया में भी कहीं बनते होंगे लेकिन ये चीज़ें इंटरनेशनल हैं तो इनकी एक अलग ही वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो आज लोग आए हुए हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी आम जनता के लिए ओपन हो चुका है, तो लोग यहाँ पर आए हैं और वो अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं। और जैसा कि आप देखें यहाँ पर कुछ मैम हैं जो कि कुछ बॉल्स देख रही हैं। मैं मैम से जानना चाहूँगा, मैम आपको कैसा महसूस हो रहा है ट्रेड फेयर में आके, क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन का एक पीरियड था और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसी चीज़ें जो कि इंटरनेशनली आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगी, तो पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हम हर साल आते थे और दो साल से हम बहुत मिस कर रहे थे, तो हमें बड़ा इंतजार था कि कब ट्रेड फेयर लगे और हम आए। और मैम, ये जो आपने अभी खरीदा है इसके बारे में बताएंगे, आपको क्या यूनिक लगा और क्या ऐसा लगा कि ऐसा इंडिया में नहीं मिल सकता? हाँ, इसका बड़ा एक तो ये डिज़ाइन इसके बड़े सुंदर हैं, यूनिक तो इनका टर्की वालों का सारा ही हर बार होता है, और इनका जो भी पैटर्न है इनका ये डिफरेंट है और कलर्स भी बड़े सुंदर हैं, तो ले लिया। मैम ने बताया कि कलर्स डिफरेंट हैं, और तुर्की की अगर मैं बात करूं तो ये हर बार जब आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं। राइट के स्टॉल के बाद अगर मैं बात करता हूं तो उसके सामने ही जस्ट एक स्टॉल हमें देखने को मिला, और ये बहुत ही सुंदर आप पत्थर हैं, मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं भैया से जानना चाहूँगा कि भैया कहाँ से हैं और ये स्टोन्स हैं या क्या हैं और ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में भैया हमें फटाफट बता रहे हैं। जी भैया। जी भाई साहब, ये अफगानिस्तान का बना हुआ है, मेरी कंपनी काबुल अफगानिस्तान की है। ऑनिक्स स्टोन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी होगा, या पाकिस्तान का होगा या अफगानिस्तान का होगा, जब जितने भी है सब नेचुरल कलर है। ये ऑनिक्स का जो है लाइफ टाइम कोई मेंटेनेंस नहीं है, जो भी सामान बना हुआ है सिंगल पीस में है। ये आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं शेर की बात करूं या ये जो पॉट्स हैं, ये सब सिंगल स्टोन से बने हुए हैं और ये सारे नेचुरल कलर के स्टोन्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कलर्स डाला गया है या कुछ ऐसा, ये नेचुरल है। Uh,
अफगानिस्तान के पत्थर देखने के बाद मैं जब आगे बढ़ा तो देखता हूँ फिर से अफगानिस्तान के ये ड्राई फ्रूट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप इनको खाने के शौकीन हैं और अफगानिस्तान के अगर मैं बात करूँ ड्राई फ्रूट्स आप खाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। और ये देखिए आप यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बादाम, किशमिश, और ये एक अलग तरीके का बादाम मुझे देखने को यहाँ पर मिला है। ये तो थे ड्राई फ्रूट्स। अगर मैं रेट की बात करूँ तो अब मैं जानना चाहूँगा कि भैया पिस्ता किस रेट में मिलेगा? ये पिस्ता भाई 2000 का रुपए का है और 2000 रुपए के पिस्ता आपको मिल जाएंगे छिले हुए, 4000 रुपए के जी। तो कुछ ऐसा नहीं है कि ये बहुत हाई रेट है या कुछ ऐसे हैं, अगर आप चाहें, और ये अफगानिस्तान के हैं, ये इंडिया के नहीं है, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और खा के देखें। स्पेशल हैं भैया ने बताया, स्पेशल हैं, आप आएँ और खा के देखें और देखें कि ये कैसा है। तो ये था हॉल नंबर 4, जहाँ पर आपने देखा कि कैसे बाहर की कंट्रीज़ यहाँ पर आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो क्या क्या चीज़ें लेके आई हैं। फिर बात करता हूँ काबुल के उन ड्राई फ्रूट्स की, तुर्की की लाइट्स की, और अफगानिस्तान की ही कुछ ऐसी चीज़ें, ब्राह्मण की परफ्यूम जिसकी स्मेल मेरे नाक से अभी तक नहीं गई है, वो इतनी अच्छी थी। और ये हॉल नंबर 4 में आपको कुछ देखने को मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो आप अगर ट्रेड फेयर में आते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और बाहर की कंट्रीज़ के मज़े उठाएँ।